हे फ्रेंड्स, ये है एक रशियन चॉकलेट कैंडी जो मेरे हस्बैंड को किसी ने गिफ्ट किया था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ इसका एक रिव्यू शेयर किया जाए। और ये है मल्टीग्रेन कुकीज़ बिस्किट जिसमें पम्पकिन सीड्स और काफ़ी सारे मल्टीग्रेन्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो आइए देखते हैं इसका एक छोटा सा रिव्यू कि ये किस तरह की चॉकलेट है। इंडिया में काफ़ी कॉस्टली मिलती है, साथ ही ये रशिया से लाई गई थी, तो रशिया में इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस थी इस चॉकलेट कैंडी की वो $9 से $34 तक आती है। आप इंडिया में भी इसे आराम से डिलीवर करवा सकते हैं। खाने में ये किस तरह का था और ये देखने में कैसा था, ये आपको सारी चीज़ें मैं अभी आगे दिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए, एक सॉफ्ट से डब्बे में था, बहुत ही स्लीक सा डब्बा था और पैकेजिंग नो डाउट बहुत अच्छी थी, बट गर्मी की वजह से थोड़ा सा इस चॉकलेट कैंडी का जो शेप था वो अनइवन हो गया था, कोन के शेप का है जैसा कि आप बाहर इसके बॉक्स में देख सकते हैं। और जो चॉकलेट थी वो बाहर से बहुत क्रंची थी, चॉकलेटी थी, और अंदर पीनट का पूरा फ्लेवर था, पीनट का जो बटर है वो अंदर से फिल किया हुआ था, तो बहुत ही परफेक्ट इसका टेस्ट आ रहा था। जिन्हें पीनट फ्लेवर पसंद है उनके लिए बहुत परफेक्ट चॉकलेट है। तो ये हमारा एक चॉकलेट कैंडी है, नो डाउट मुझे खाने में बहुत अच्छा लगा। मेरे बेटे को ये थोड़ा कम पसंद आया, बट मुझे ये पसंद आया। जिन्हें पीनट्स पसंद है उन्हें ये चॉकलेट ज़रूर पसंद आएगी। सेकंड मल्टीग्रेन बिस्किट्स का, इसे ब्रेड्स भी बोलते हैं वहाँ पे, और ये छोटे छोटे पैकेट्स में था जिसमें एक के अंदर ऐसे चार पीसेस अवेलेबल थे। काफ़ी पतला सा था, काफ़ी क्रिस्पी था और गेहूं की बालियों का सामने जो है इमेज बना हुआ था। इसके अंदर काफ़ी सारे मल्टीग्रेन थे, आप देख सकते हैं फ्लैक्स सीड्स भी दिख रहे हैं। तो हेल्थ वाइज बहुत परफेक्ट कुकीज़ थी, खाने में मुझे बहुत अच्छी लगी, क्रिस्पी थी।